बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं थोड़ा दोस्त नुमान खालक, तुसी देख रहे हो नौमी चौधरी विलोग। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत नाल होंगे। दोस्तों पिछली वीडियो मैं थानू तिलां दे पुसे की खरीदारी दिखा रहा सीगा, ते एक दोस्त ने कॉल करके कहा कि पहले जदों मूंगी आई सी तुसी मूंगी दी पहले दिखाई का तरीका मतलब दिखाया सीगा वीडियो दे विच कि मूंगी किस तरह निकलती आ, किस तरह उन्हूं थ्रैशर करते आ। तो फिर तुसी जदों मूंगी की खरीदारी शुरू की पूसे की, तो फिर तुसी उहदियां पूसे दियां खरीदारियां दिखाइया सीगियां, तो हुण तुसी तिलां दी पूसे की खरीदारी दिखा रहे हो, तो हले तक सानू गहाई का तरीका नहीं दिखाया है। तो दोस्तों अज मैं थोनू गहाई का तरीका ही दिखा रहा वा। मैं जा रहा वा इस टाइम जी जिथे थ्रैशर लग रही आ। दोस्तों असी पहुँच गए हाँ जिथे थ्रैशर लग रही आ। तुसी वीडियो दोस्तों देख सकते हो कि सामने ट्रैक्टर खड़ा है, उहदे पिछे थ्रैशर चल रही आ। तो कोल जाके दोस्तों थानू दिखाने कि किस तरह इन थ्रैशर लग रही है। दोस्तों असी जा रहे हैं इस टाइम थ्रैशर के कोल, थानू कोल जाके दिखाते हैं कि दोस्तों तिलों नू थ्रैशर किस तरह लग रही है, किस तरह तिल इस तो बाहर आ रहे हैं, तो इसकी कट किस तरह बाहर आ रही है। दोस्तों आप पहुँच गए हैं असी इस टाइम थ्रैशर के कोल, ये तुसी देख सकते हो एक लड़का जरा ये दोस्तों ये जे गड़े ने उन्होंने बिच पा रहा है तिलों के। तो वो सामने तुसी दोस्तों देख सकते हो कि दो मुंडे जड़े ने जे सुकाउण वास्ते तिलों की फसल में रखा है, उन्होंने चक चक के कोल पलियां च पा के लैके आ रहे ने। दोस्तों हुण तुहानू दसदे आ जरा मुंडा उत्ते खड़ा है इहदा काम की आ। दोस्तों इहदा काम इह आ, इन्हें तिलों के स्ट्रा नूं हाथ च पकड़ना है, तो तुसी देखोगे कि इहनूं इह सोटी दे नाल छांकदा है। दोस्तों ये छांकदे इस वजह तो ने कि जदों तिलों के जिहड़े स्ट्रा नूं सुकाउण वास्ते रखदे आ, तो जदों दोस्तों सुक जांदा वा, सुकण दे नाल जिहड़ी इहदी फली हुंदी आ जिहदे अंदर तिल हुंदे ने, दोस्तों इह सुकण दी वजह तों इहदा मूँह खुल जांदा है। तो दोस्तों इह सोटी दे नाल तां से इहनूं छांकदा है कि जिन्हां फलियां दा मूँह खुल्ला हुंदा है उदों दे विचों तिल निकल के इह थल्ले तुसीं देख रहे हो। दोस्तों इन्हां ने तरपाल बिछाई आ, इह तरपाल दे उत्ते उह तिल गिर जांदे ने। तो इन्हां तिलों नूं दोस्तों ये बाद विच साफ करके मतलब सफाई वगैरह करके छानने दे विचों कढ़ के इहनूं बिल्कुल साफ कर लैंदे ने, तिल कढ़ लैंदे ने, जिहड़ा इहदा कचरा मचरा है वह सैड ते कर दिंदे ने। दोस्तों जे लड़का इहनूं इस तरह ना छान के ते छान के बगैर ही सीधा इहनूं थ्रैशर दे विच इहनूं इहदे स्ट्रा नूं पा देवे, ते इहदे अंदर दोस्तों हवा हुंदी है थ्रैशर दे अंदर काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि हवा दे प्रैशर दे नाल ही इहदा जिहड़ा भूसा है वह हवा के प्रैशर के नाल ही दोस्तों दूर जा के गिर रहा हुंदा वा। ये तुसी अगे देखोगे कि इहदा जिहड़ा भूसा है हवा के प्रैशर के नाल दूर जा के गिरदा है। तो दोस्तों जदों यह नहीं छांकेगा तो ये जिहड़े जिन्हां फलियां के मूँह खुले होणगे वह तिल जिहड़े ने हवा के नाल सीधा भूसे दे विच मिक्स होकर इधर गिर जाएंगे। दोस्तों तां से वह इहनूं छांक रहा है कि जिहड़े जिहड़े फलियां के मूँह खुले ने वो तिल इत्थे ही गिर जाण। ये देखो दोस्तों ये अंदर छान ना लगा है। दोस्तों जी थ्रैशर है ये कणक वाली ही थ्रैशर इहनूं लगती आ, इहदे अंदर बस छान ना चेंज हुंदा है, क्योंकि कणक का दाना थोड़ा मोटा हुंदा है, ये तिल जिहड़े ने ये बरीक हुंदे ने, ते इहनूं फिर बरीक छाना लाना पैंदा है, ते तां दोस्तों इहनूं थ्रैशर लगती है। देखो दोस्तों ये तिल आ रहे ने, तिल निकल के सीधा गट्टू च जा रहे आ, ते जदों दोस्तों ये गट्टू भर जाएगा इहनूं साइड ते कर देणगे, इहदी जगह दूसरा गट्टू लगा देणगे। ये देखो जी दोस्तों वाइब्रेशन के नाल तिल इधर मूव हो के विच आ रहे ने गट्टू के अंदर। दोस्तों थ्रैशर का यही फंक्शन आ कि एक साइड तो तुसीं जिस चीज़ नूं थ्रैशर करना है वह चीज़ थ्रैशर के विच पाई जाओ, तो एक साइड तो दोस्तों यदि जिन्स बाहर आई जाएगी, जे फर्ज किया कणक है दाने ने मकई है वो दोस्तों इस तरह बाहर आई जाएगी एक साइड तो दूसरी साइड तो यदा जरा भूसा होंदा है या यदा कचरा कह लो या यदा छिलका कह लो वो साइड तो दोस्तों इस तरह निकलता रहता है। ये दोस्तों हवा के प्रैशर के नाल थोड़ा दूर जाके ये गिर रहा वा, इत्थे इहदा ढेर लग जाना है। दोस्तों तिलों नूं थ्रैशर लगते भी मैं वीडियो तां दिखा रहा वा क्योंकि इहदा जरा भूसा है वह भी असी लैंदे आ। तुसी मेरी पिछली वीडियो देख सकते हो कि मैं अपनी वीडियो थानू डेली अपडेट दिना कि असी इहदा भूसा डेली बेसिस से इनू परचेज कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इहदा असी स्टॉक करते हैं या नाल नाल इनू मार्केटां दे विच भेज दिंदे हां। ये दोस्तों पेपर मिलों के टैक्सटाइल मिलों के सीमेंट फैक्ट्रिया चाइल फैक्ट्रिया भट्ठियां दोस्तों ये जलन के काम आता है। दोस्तों ये हाजी साहब ने पिछली वीडियो भी मैं थानू इन्हों का जिक्र किया है,
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਕਬਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਸਤੇ ਰਕਬਾ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਤਿਲ ਜੀ ਅੰਦਰ ਪਏ ਨੇ ਦੋਸਤੋ। ਇਹ ਵੀ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੋਸਤ ਤਿਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਿੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਿਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਿੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਬਰਾਊਨ ਬਰਾਊਨ ਸ਼ੇਡ ਇਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹੀ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਉਹ ਮਿਊਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ, ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨੂੰ ਮਿਊਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਸਾਊਂਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਸਾਊਂਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੈੱਲ ਆਈਕੋਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਆਸਾਨੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਦੋਸਤੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਊਂਡ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਸਾਊਂਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਸਾਊਂਡ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਸਾਊਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦੋਸਤੋ, ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿਲਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦੀ ਆ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿਲ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੂਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਗਿਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ।